हेलो दोस्तों, मेरे चैनल डॉक्टर साइंस बायोलॉजी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो जेनेटिक मटेरियल होता है ऑर्गेनिज्म के अंदर, उसकी क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। तो पहला उसका करेक्टर है कि वो एक इट मस्ट कंटेन कम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन, वो स्टोर कर सके कम्प्लेक्स, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन स्टोर कर सके। तो वो कैपेबल होना चाहिए कि वो बहुत ज्यादा अमाउंट में इंफॉर्मेशन स्टोर कर सके। कौन कौन सी? सभी ट्रेड से रिलेटेड, सभी फंक्शन, जितनी भी रिएक्शंस हो रही है बॉडी में। तो एक ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर जो जो चीजें हो रही है, उसके जितने ट्रेड हैं, जितनी रिएक्शन है, एनाबोलिक कैटाबोलिक रिएक्शंस, जितने भी फंक्शंस वो कर रहे, सभी की इंफॉर्मेशन उस जेनेटिक मटेरियल के अंदर स्टोर होनी चाहिए। तो पहला कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन, बहुत सारी इंफॉर्मेशन, सारी ऑर्गेनिज्म के रिलेटेड इंफॉर्मेशन उसके अंदर स्टोर होनी चाहिए। दूसरा है रेप्लीकेशन, भाई वो रेप्लीकेट करे एक्यूरेटली। रेप्लीकेट का मतलब अपनी कॉपी बना सके, अपने आप को डुप्लीकेट कर सके, अपनी एक और कॉपी बना सके, और वो कॉपी बिल्कुल एक्यूरेटली ही होनी चाहिए। 99.99 वो एक्यूरेट ही होनी चाहिए। एक्यूरेट क्यों होनी चाहिए और कॉपी क्यों चाहिए? कॉपी इसलिए चाहिए क्योंकि जब सेल डिवाइड होती है, एक सेल से दो सेल बनती है, डॉटर सेल्स बनती है, तो दोनों सेल के अंदर इक्वली जेनेटिक मटेरियल डिवाइड हो सके। तो कॉपी दो कॉपी होंगी, एक कॉपी एक सेल में चली जाएगी, दूसरी कॉपी दूसरी सेल में चली जाएगी। और एक्यूरेट क्यों होनी चाहिए? क्यों? क्योंकि जितने भी फंक्शन है, ट्रेट है, रिएक्शन है, वो उन सभी सारी इंफॉर्मेशन उसके अंदर है। अगर उसके अंदर कोई बहुत ज्यादा चेंज होगा तो वो सारा का सारा चेंज जो डॉटर सेल होंगी उनमें दिखेगा, तो इसीलिए वो एक्यूरेट होना चाहिए। तीसरा है मस्ट इंकोड फिनोटाइप, वो कोई फिनोटाइप कोज करे। फिनोटाइप जैसे टालनेस, आई कलर, स्किन कलर, बहुत और भी बहुत से, हेयर कलर, तो वो फिनोटाइप कोड करना चाहिए। और फिनोटाइप जेनेटिक मटेरियल कैसे कोड करते हैं? अब हमारे अंदर जेनेटिक मटेरियल क्या है? डीएनए। डीएनए क्या करेगा? आरएनए बनाएगा, आरएनए प्रोटीन बनेगा, वो प्रोटीन फिर क्या करेगा? फिनोटाइप कोड करेगा। तो यहाँ पे अल्टीमेटली फिनोटाइप कोड किसने किया? डीएनए ने किया। डीएनए क्या है? जेनेटिक मटेरियल। तो जेनेटिक मटेरियल को एक फिनोटाइप एनकोड करना चाहिए, फिनोटाइप बनाएगा वो कोई ना। चौथा है कैपेसिटी टू चेंज, वो चेंज होता रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने तो पिछले कहा रेप्लिकेट एक्यूरेट है, ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत उसके अंदर चेंज होते रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो 100% बिल्कुल हूबहू वैसा ही हो बहुत लंबे टाइम तक, नहीं, उसके अंदर थोड़ा 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 चेंज होता रहना चाहिए। उस चेंज को क्या बोलते हैं? म्यूटेशन। क्यों चेंज होता रहना चाहिए? क्योंकि डीएनए के अंदर, जेनेटिक मटेरियल के अंदर जितना चेंज होगा उतनी ही वेराइटी आएगी। अब देखिए, एक स्पीसीज है, एक स्पीसीज के अंदर बहुत से ऑर्गेनिज्म, सभी ऑर्गेनिज्म के डीएनए 99% सेम मिलेगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा उनके अंदर चेंज मिलेगा। उस चेंज से होगा क्या? जब भी इन्वायरमेंट के अंदर कोई चेंज होगा तो उस चेंज में वैरायटी है, उस वैरायटी के अंदर कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर ऐसे जीन्स होंगे जो उस इन्वायरमेंट के लिए फेवरेबल हो, तो वो पूरी स्पीसीज सर्वाइव कर जाए। अगर बिल्कुल सेम होगी तो कोई ऐसा इन्वायरमेंट चेंज हो गया वो उसके फेवरेबल नहीं हुआ तो पूरी की पूरी स्पीसीज क्रैश कर जाएगी, एक्सटिंक्ट हो जाएगी। इसीलिए उसके अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए चेंज होने की, ताकि वो इन्वायरमेंट जैसे चेंज हो उसके हिसाब से ढल सके, अडेप्ट कर सके। तो ये करेक्टर है जेनेटिक मटेरियल के। पहला, कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन स्टोर कर सके, बहुत सी इंफॉर्मेशन जितनी चाहिए ऑर्गेनिज्म के से, सारे फंक्शन से रिलेटेड ट्रेट्स जितनी भी हो वो रेप्लीकेट कर सके, अपनी कॉपी बना सके, फिनोटाइप कोड करे कोई ना कोई, और चेंज होने की कैपेसिटी हो उसके अंदर। तो ये करेक्टरिस्टिक्स है जेनेटिक मटेरियल।